कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन खबर ये नहीं है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, बल्कि खबर ये है कि बाबा को ये नहीं पता कि उनको धमकी दी किसने है। जो बाबा पर्चे पर सबका चर्चा लिख देते हैं, सबके नाम लिख देते हैं और बता देते हैं भविष्य, भूतकाल, वर्तमान सबके राज खोल देते हैं, उन बाबा को ये बात नहीं पता चल रही कि उन्हें धमकी दी किसने है। FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन जो पुलिस में FIR की कॉपी हमको मिली है, जो दर्ज हुई है, उसके मुताबिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी बाबा को जो धमकी देने वाले लोग हैं वो अज्ञात हैं, बाबा उनके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाबा जब आपके पास में दिव्य शक्तियां हैं, आपको सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है दुनिया में, किस कोने में क्या हो रहा है, सीधा आपका भगवान के साथ कनेक्शन है, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं भगवान के साथ में, तो अब आपको ये भला क्यों नहीं पता चल रहा कि आपको धमकी दी क्या है। आपको मैं पूरा मामला समझा देता हूं। दरअसल हुआ ये कि धीरेन्द्र शास्त्री के एक चचेरे भाई हैं, उनको एक फोन आया, एक नंबर से उनको कॉल आया और उनको उनका ये दावा है, उन्होंने ये कहा है कि फोन करने वाले ने धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसकी 13वीं की तैयारी कर लो। जिस नंबर से कॉल आया है इसके खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी FIR की कॉपी की तस्वीरें हैं और इसके बाद से जो आरोपी हैं उन्हें अज्ञात लिखा गया है कि अज्ञात लोगों ने इनको कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। अब इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठना ही था। बाबा जो बार बार ये दावा करते हैं कि वो किसी से भी बिना नाम पूछे, बिना तकलीफ पूछे, बिना किसी से कोई सवाल किए हुए एक पर्ची पर सारी बातें लिख देते हैं और जोर दे दे कर कहते हैं माइक पर, कौवे वाला प्रवचन जो उनका बड़ा फेमस है, वो कहते हैं कि बताओ मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, बताओ मैंने तुमसे कहा था, ये पर्ची पर देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यानी उनका दावा है कि बाबा चमत्कारिक हैं, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और वो किसी के भी भविष्य के बारे में, किसी के वर्तमान या भूतकाल के बारे में जान सकते हैं। अब बहुत ही साधारण सा सवाल है कि बाबा जब आपको सब कुछ मालूम है, जब आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम पता क्यों नहीं मालूम जो आपको जान से मार देने की धमकी दे रहा है? क्यों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं एक पर्ची पर धमकी देने वाले का नाम नहीं लिख रहे, उसका पता नहीं लिख रहे और वो पर्ची पुलिस को नहीं थमा रहे जिससे पुलिस वहां जाए और उनको गिरफ्तार कर ले जो भी आरोपी है? सीधे सीधे से सवाल हैं जिसका सीधा सीधा जवाब धीरेन्द्र शास्त्री को दे देना चाहिए, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। अब जानते हैं बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको लेकर क्या विवाद चल रहा है। उनको अभी पूरी जो मीडिया है, मनु मीडिया के लोग उनको बहुत हीरो बना रहे हैं और इस पूरी लड़ाई को, जो अंधविश्वास और पाखंड की लड़ाई थी, उसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विरोधी के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है और उनके पाखंड से सवाल हट के अब धर्म और सनातन धर्म पर चला गया है। और बाबा ने कहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका बयान भी इस तरह से आया है। लेकिन इन सब के बीच में बाबा का ये जो किस्सा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली, वो उनके एक कहें कि जी का जंजाल बन गया है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बाबा पर्ची क्यों नहीं निकाल लेते, आपको पता चल जाएगा ना कि किसने किया है। तो इस जो प्रकरण है जिसमें उनको धमकी देने का मामला सामने आया है, इससे आपको ये समझना चाहिए, ये एक सबूत है कि बाबा के पास में कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, कोई किसी तरह का चमत्कार उनके पास में नहीं है। अगर उनको ये पता होता कि वो धमकी देने वाला कौन है तो वो उसका नाम बता देते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन पत्रकारों को, जिन मीडिया कर्मियों को वो बुला के उनके नाम बता रहे हैं, आप सब जान रहे हैं फेसबुक पर उनकी जानकारी अवेलेबल है और तमाम लोग ट्रोल हो रहे हैं, मीडिया के लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे भारत का मनु मीडिया इस ब्राह्मणवादी परंपरा को, पाखंड को, अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और बाबा को एक सुपर हीरो की तरह साबित कर रहा है कि बाबा के दरबार में तो चमत्कार होते हैं। लेकिन जो बाबा खुद ही ये नहीं पता कर सकता कि उसको धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है, तो फिर उसके पास दिव्य शक्तियां कैसे हो सकती हैं? ऐसी दिव्य शक्तियां किस काम की? बाबा के भक्तों को भी मेरे इस वीडियो पर गुस्सा करने से ज्यादा
चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आपके बाबा की जान से जुड़ा हुआ मसला है। उन्हें किन्हीं लोगों ने धमकी दी है तो बाबा की जान को खतरा है। आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए मेरी बातों को, और आप मांग कीजिए बाबा से कि बाबा आप अपनी कलम उठाइए, अपना फ़ोन उठाइए, फ़ोन घुमाइए, अपने जो भी आपके इष्ट देवता है उनको फ़ोन पर लीजिए, कॉल पर लीजिए, कॉल कॉन्फ्रेंस कीजिए अलग अलग देवताओं की, और उनसे पूछिए कि प्रभु मुझे धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ से उसने फ़ोन किया है, उसका नंबर तो आ ही गया है, उनकी लोकेशन को पता कीजिए, उनके परिवार के लोगों के बारे में बता कीजिए, उनके चाचा का, भतीजी का, भतीजे का, भाई का, किसी का नाम बता दीजिए जैसे आप बाकी लोगों का बता देते हैं, और फिर साबित कर दीजिए कि आपके पास में चमत्कारिक शक्तियां हैं। जब आप पुलिस के पास गए, जब आपको कानून का सहारा लेना पड़ा क्योंकि आपने कहा है कि आपको धमकी मिली है, तब आपने अज्ञात लोगों के खिलाफ में ही FIR दर्ज कराई है। वो FIR में लिखा हुआ है कि अज्ञात शख्स ने फोन किया है, आप नाम नहीं बता पाए, कानून के सामने आपका चमत्कार क्यों नहीं चल रहा, जो आपको वहां साबित करना चाहिए था, जो आप अपने पंडाल में मंच पर चिल्ला चिल्ला कर साबित करते हैं, वो पुलिस स्टेशन में साबित क्यों नहीं कर पा रहे। कई बार देखते हैं कि पुलिस वाले आपके दरबार में आते हैं, आप उनको चमत्कार करके दिखाते हैं, आप पुलिस की शरण में गए, आपके लोग पुलिस की शरण में गए, FIR दर्ज कराई, तो आपने वहां चमत्कार क्यों नहीं किया। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि हवा में उड़ता हुआ वो व्यक्ति आ जाए, आपके दरबार में आकर गिरे और कहे कि बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको धमकी दी, मैं माफी मांगता हूं। ऐसा कोई चमत्कार करके दिखाइए, आप तो सीधे वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, आपके पास में तो सीधा सैटेलाइट का कनेक्शन है, तमाम तरीके के दावे आपके चमत्कार के आजकल हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें जो एंकर हैं, एंकरानी हैं, मेरिटधारी लोग हैं, वो आपकी ज्ञान की, आपके टैलेंट की, अपनी आपकी मेरिट की नुमाइश कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है जिसमें सब लोग आपका तमाशा देख के तालियां बजा रहे हैं, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जायज सवाल भी करेंगे, पूछेंगे कि बाबा जब आप पर्ची पर सब कुछ लिख सकते हो, आपके पास तमाम तरीके की शक्तियां हैं, आप दिव्य ज्ञान के धनी हैं, आपको सब आता है, आप परम ज्ञानी हैं, तो इस व्यक्ति का नाम भी बता दीजिए। जाइए पुलिस स्टेशन जल्दी कीजिए, मेरा वीडियो आपने देख लिया हो तो आपको जल्दी से पुलिस स्टेशन भागना चाहिए, बाबा को बताएं, बाबा के समर्थक भी जाएं, वो बता दें कि वो आरोपी कौन है, किसका क्या नाम है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन हम इस वाक्य से, इस अज्ञात FIR से कम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि बाबा फर्जी है, ढोंगी है, पाखंडी है, कोई दिव्य ज्ञान उनके पास में नहीं है, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, और भारत का मीडिया उसमें उनका साथ दे रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या बाबा को वाकई पता होगा कि किसने धमकी दी है, अज्ञात लोगों का नाम वो क्या बता पाएंगे, ये एक चैलेंज के तौर पर भी उन्हें लेना चाहिए और अपनी शक्तियों को साबित करना चाहिए। आपका इस मसले पर क्या सोचना है कमेंट करें, आपसे अपील है इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।